So recording already started. So before going to start this session, first of all, I want to introduce Taruna. Taruna qualified her CMA in last attempt, and she also secured rank in CMA final. And like you already know, AIR-5 in CMA final and AIR-13 in CMA intermediate. She has done her internship from Indian Oil Corporation. Apart from this, she secured her first job in CMA campus in Vedanta with more than 13 LPA package. And right now, she will share all her journey, what struggle, what challenges she faced, and how she managed all the thing. First thing, in short. Second thing, how she secured rank with her training also, because she has done training as well as for her final preparation. Same for intermediate, we are new to the course, then how she managed it. So we will do all the discussion one by one. Okay, and you can put your questions in the chat section. So I will ask your questions also. Okay, so hi Taruna, how are you? Sir, I am fine. What's about you? Sir, badi hai chal raha sir. So now, like, thanks first of all ki aapne mere invitation ko accept kiya, and students ke liye aap aaye ho. Your voice is breaking. Sir, always we have been able to help the students which are in need, and we need guidance how to prepare for CMA. So because it's my passion, मेरे पास गाइडेंस नहीं थी, बट मैं चाहती हूँ कि जिन बच्चों को भी गाइडेंस के रिगार्डिंग प्रॉब्लम आती है, जिनमें पैशन है पढ़ने के लिए, जो कर सकते हैं, उनको अगर मेरी छोटी सी जर्नी से, मेरे छोटे से गाइडेंस से हेल्प हो जाए, तो मेरे लिए वो ही सब कुछ है। Okay, so before going to start the Q&A, first of all, आप इन शॉर्ट बताओगे आपकी CMA जर्नी कैसे स्टार्ट हुई थी? सर मेरी जर्नी सर मैं सर बहुत ना स्टार्टिंग में तो बहुत वीक स्टूडेंट थी इन इनिशियल स्टेज ऑफ थर्ड और फोर्थ क्लास बिकॉज सर वी कैम फ्रॉम मुजफ्फरनगर टू दिल्ली ओनली फॉर द स्टडी पर्पसेस लेकिन सर उसके बाद मेरी क्लास में क्योंकि सर हमारे थोड़ी लैंग्वेज भी बैरियर है तब ना आई थिंक आपके साइड से थोड़ा सा नेटवर्क इशू लग रहा है सो आप फ्रॉम थर्ड टू फिफ्थ क्लास वो मेरी गांव की क्लास थी आप वीडियो पॉज कर सकते हो अगर नेटवर्क इशू है तो आपने वीडियो पॉज कर दो आप सिर्फ ऑडियो पे रहो लाइक यस नाउ यू आर ऑडिबल One second, I am trying to stop and disable camera. Yeah. Now try to speak. Start again. Yeah. Now you can continue. अरुणा, I think are you using Wi-Fi or something? मैं starting के इसी मतलब से मुझे third class yes sir try to check your network हाँ एक और network check करो हाँ location check करो sir is my voice proper audible now? Now it's proper audible yes हाँ तो sir मैंने अपना morning routine start करा मैंने स्टार्टिंग में जो मेरी चीज भी थी उन पे ध्यान दिया लेकिन सर एक दिन में कुछ नहीं हो सकता शॉर्टकट अगर अपनाएंगे तो सर हाईवे तक तो पहुंच जाएंगे लेकिन हमें उल्टा वापस आना पड़ेगा तो अगर हम किसी भी चीज में वीक हैं जब वो पढ़ाई हो जब हमारी हेल्थ हो जो भी हमारा गोल है अगर उसमें हम डेली मेहनत करते हैं तो डेली मेहनत से क्या होता है उस चीज में हमारी वीकनेस हटती है उस चीज में हमारी एडवांटेज आ जाती है तो ऐसे धीरे धीरे मैंने स्टार्ट करा फिर 8th क्लास में मेरे 60% आए 9th में मैंने मैथ्स ली तो सर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड By my hard work, by the hard work of my parents, my siblings, मैंने स्टेट टॉप करा था सर 9th क्लास में मैथमेटिक्स में तो इससे मेरा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ मुझे लगा कि हार्ड वर्क बेकार नहीं जाता क्योंकि सर स्टार्टिंग में जब हार्ड वर्क करी थी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे मुझे नहीं चीजें समझ आ रही थी क्योंकि कोर्स चेंज था लैंग्वेज चेंज थी लोग चेंज थे सब कुछ चेंज था लेकिन धीरे धीरे फिर लैंग्वेज भी समझ आने लग गई मैथ्स भी समझ आने लग गई फिर टेंथ में भी सर मैंने स्टेट टॉप करा फिर मैंने टेंथ में कॉमर्स लिया क्योंकि सर मुझे मैथ्स में काफी इंटरेस्ट आ गया था
मतलब जो सब्जेक्ट मेरा वीक था स्टार्टिंग डेज में, मुझे उसमें इंटरेस्ट आ गया, क्योंकि अगर हम किसी चीज को डीपली पढ़ते हैं, खुद से सेल्फ मेहनत करते हैं, मतलब कोई ट्यूशंस ना लेके, ट्यूशंस लेते हैं तो मेहनत तो होती है लेकिन सर ऊपर ऊपर होती है, अगर हमें अपना बेस मजबूत करना है, अपनी फाउंडेशन मजबूत करनी है किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी चीज में, तो हमें खुद से सेल्फ एनालाइज करना पड़ेगा, सेल्फ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके फॉर्मुलेस खुद समझने, धीरे 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 करना। तो ऐसे फिर मैंने कॉमर्स ली, फिर मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट करी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, मेरा एडमिशन हो गया था रेगुलर। फिर मेरे टीचर्स ने बोला कि तरुणा, क्योंकि सर मेरा सीएमए प्लान भी था, आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर, मुझे बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को गाइडेंस देना बहुत पसंद है, तो जब मेरे टीचर्स ने बोला कि तरुणा आपकी अकाउंट्स, आपकी इकोनॉमिक्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो आप एक प्रोफेशनल कोर्स के लिए ट्राई करो। तो सर मतलब मुझे ना ये, मतलब मैं चाहती हूँ हमारे देश में कोई भी ऐसा बच्चा भूखा ना सोए, या हमारे देश में गरीबी ना रहे, तो मुझे ना अपने देश के जो गुड्स है सर्विसेज, इनके कोर्स इतने ज्यादा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली इनको अगर परचेज कर ले तो उसके पास पैसा नहीं बचता अपनी अदर नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो मैंने सीए ना चूज करके सीएमए चूज करा, तो सर धीरे धीरे सीएमए बढ़ रहा है और मैं चाहती हूँ कि मैं एज अ सीएमए थोड़ा बहुत भी कर पाऊँ। मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव तो यही है कि अपने देश में एक ही बच्चा भूखा नहीं सोना चाहिए, बट इस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए मैं प्रोसेस पे ध्यान दे रही हूँ अभी तो सर, जैसे मैं वेदांत में जॉब कर रही हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि मैं खुद का, मतलब खुद का एक सेटअप तैयार करूँ जिसमें मैं खुद से कोर्स निकालूँ और गवर्नमेंट को कोर्स प्रोडक्शन बताऊँ कि जो एसेंशियल चीजें होंगी कैसे कम हो सकती है, ये मेरा लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है। तो ऐसे मैंने सीएमए स्टार्ट करी, और सर मैंने कभी रैंक लाने का नहीं सोचा कि मेरी रैंक आएगी, बट जो पढ़ा शिद्दत से पढ़ा, डेली सोचा कि मैं डेली अपने टारगेट को अचीव करने के लिए क्या कर सकती हूँ। मतलब कभी ना बड़े टास्क नहीं बनाने, बड़े गोल नहीं बनाने, अगर बड़े गोल बनाते हैं और वो पूरे नहीं हो पाते तो हम इरिटेट, एंजाइटी आ जाती है। एक दिन में, एक दिन हमारे पास 24 घंटे, हमें ये देखना है कि उस 24 घंटे में अपने लक्ष्य को पाने के लिए हम कितना आगे बढ़ सकते हैं। 24 आवर्स में बेस्ट देना है, फिर नेक्स्ट दिन का नेक्स्ट देखेंगे, क्योंकि अगर हम सर एक हफ्ते का या महीने का पहले सोच लेते हैं फिर एंजाइटी और ना मेहनत ढंग से नहीं हो पाती। अगर हम मेहनत हमें विदाउट एनी फियर और फुल पैशन के साथ करनी है तो शॉर्ट टर्म गोल बनाना है, उनको अचीव करना है। अगर उनको अचीव कर लिया तो हमारे माइंड में एक हार्मोन होता है, डोपामिन हार्मोन, जैसे सर मैंने बनाया कि मुझे 2 घंटे में एक क्वेश्चन या एक फॉर्मूले को रिवाइज करना है, उसको कंप्लीट करना है, उसमें से अगर कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो मुझे आना चाहिए, क्योंकि पढ़ने का तरीका यही है, आप पढ़ो कम लेकिन ऐसा पढ़ो कि उसमें से कुछ आए आप ना कर सको, क्योंकि पढ़ने का फायदा ना, पढ़ सब कुछ नहीं आता कुछ नहीं, तो वो चीज है। तो ऐसे हमें अपने आप थोड़ा सा ट्राई करो आपकी वीडियो ऑन करने की, बिकॉज अब आपकी वॉइस प्रॉपर आ रही है, तो ओके। सो नाउ लाइक आपने सीएमए फाउंडेशन से अपनी जर्नी स्टार्ट की, राइट? नहीं सर, सीएमए इंटरमीडिएट सर, मैंने ग्रेजुएशन के बेस पे एडमिशन लिया था। ओके। सो आफ्टर ग्रेजुएशन जब आप इंटरमीडिएट में, तो आपकी ग्रेजुएशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से थी, राइट? रेगुलर था आपका ग्रेजुएशन? यस सर। ओके, सो आफ्टर दैट आई थिंक दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स भी लाइक थोड़े से डिफिकल्ट हैं, ऐसा नहीं कि सिंपल सा है ग्रेजुएशन जो आप कंप्लीट कर सकते हो। तो सीएमए कोर्स में जब आप आए, स्टार्टिंग डेज में आपको क्या चैलेंज आया था? बिकॉज इंटरमीडिएट फर्स्ट लेवल था, 8 सब्जेक्ट्स थे और आपने सारे सब्जेक्ट्स को एक साथ लिया, किस तरीके से आपने स्टार्ट की गो थ्रू? सर देखो, चैलेंजेस आते हैं सीएमए कोर्स में, क्योंकि सर सीएमए का बीच में ब्रेक मिलता है 1 डे का, बट सीएमए में कंटिन्यूअस एग्जाम होते हैं, लेकिन मेंटली चैलेंजेस आते हैं। बच्चे सोचते हैं कि 8 दिन में एग्जाम कैसे देगा, बीच में टायर्ड हो गया, तो मैं मेंटली मजबूत रह रहा है। मतलब ये प्रोफेशनल कोर्स में इंसान को अगर वो मेंटल, मतलब दिमाग से नहीं हारा, तो वो 8 एग्जाम दे देगा विदाउट एनी स्ट्रेस। सर हमारा ना बॉडी नहीं थकती, हमारा दिमाग थकता है, तो हमें सीएमए कोर्स में दिमाग नहीं थकाना, और हमें ना पहले सब कुछ रिवाइज करके रखना है। मतलब ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ रिवाइज करेंगे, और एक दिन के लिए हमें सिर्फ 2 घंटे, जैसे सर मैं आज एग्जाम दे के आई तो मैं सो गई आराम से, सिर्फ 2 घंटे रिवाइज करा, क्योंकि मैंने पहले नोट्स बना लिए थे कि मेरा कल एग्जाम है और उसके सिर्फ इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो रिवाइज करना जरूरी है, प्रॉपर सो के जाना, ताकि अगले दिन जो आपने पढ़ाया 8 महीने 6 महीने वो आप डिलीवर कर पाओ। बच्चे क्या करते हैं, मैंने मोस्ट देखा है मेरे केसेस में, जो मेरे फ्रेंड्स थे उनका सीएमए क्लियर नहीं हुआ, वो एग्जाम दे के आते फिर दोबारा सब कुछ रिवाइज पढ़ना, तो वो नेक्स्ट डे परफॉर्म नहीं कर पाते क्योंकि उनका दिमाग थका हुआ होता था। तो हमें दिमाग को भी रेस्ट देना है, रेस्ट नहीं देना 8 महीनों में, लेकिन जो 8 दिन है उनमें रेस्ट देना है, क्योंकि सर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में ऑलरेडी बातें रिकॉर्डेड होती है, हमें अपने आप पे बिलीव करना जरूरी है। हम घबरा जाते हैं कि हमें नहीं आता, पढ़ा सब बच्चों ने, मतलब सब बच्चों
रियलिंग किसी के रहना क्रिएट करता है अपने आप पे विश्वास। अगर हमें अपने आप पे विश्वास है और हमें पता है कि हमने मेमोरिया में याद है और जब एग्जाम देते हैं हमें सर ऑटोमेटिकली चीजें याद आती है, मेरा खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है तो याद आती हुई चीजें भी हम भूल जाते हैं। तो सीएमए एग्जाम के लिए, सीए एग्जाम के लिए कोई भी जिंदगी में चीज हो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा उसकी तरफ नजरिया, हमारा उसकी तरफ बिलीव और हमारी उसकी तरफ मेहनत कि हमने 6 महीनों में क्या मेहनत करी है। सो अरुणा मेरा क्वेश्चन ये था कि लाइक जब आपने 8 सब्जेक्ट की पढ़ाई स्टार्ट की, मैं पढ़ाई के बारे पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ, अभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने नहीं पूछा था, जब आपने 8 सब्जेक्ट की आपने पढ़ाई स्टार्ट की तो आपने किस तरीके से आपने स्टार्ट किया? जैसे आपने बताया आपने बाई सेल्फ फोकस किया था चीजों पर, तो कैसे था वो? सर देखो हम ना तरह तरह की बुक्स पढ़ते हैं लेकिन जो हमारा एग्जाम कंसेप्ट होता है 80% हमारे स्टडी मैट से आता है, तो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट हमारे घर पे हम डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। हमें अपना इनिशियल 6 मंथ स्टडी मैट को देना है, जो सर हमारे मार्केट में फोटो वाली बुक्स अवेलेबल है वो पढ़ तो सकते हैं लेकिन उससे हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे। सब बच्चे की प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे बुक्स में काफी ज्यादा गलतियां हैं, सर मैं ऑनेस्टली आंसर दूंगी तो कहता है अगर हम इससे पढ़ेंगे तो इसमें फॉर्मुलेज गलत है। हाँ आप कोई दूसरी बुक रेफर कर सकते हो साथ में लेकिन जो आपका स्टडी मटेरियल है वो ये बताएगा कि आपके एग्जाम के लिए क्या रेलिवेंट है, कि मतलब पढ़ाई स्टार्टिंग में करो लेकिन पढ़ाई स्मार्ट वर्क करना है ना, हार्ड वर्क नहीं करना, तो अपना स्टडी मैट पढ़ना है प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। तो पहले स्टडी मैट पढ़ना है, जब वो कंप्लीट हो जाए तो आपको किस पे जाना है, आरटीपी एमटीपी और सर जो हमारे बिट क्वेश्चंस होते हैं एमसीक्यू के जो इंस्टीट्यूट रिलीज करता है हमें उस पर फोकस करना है। मतलब मैं ये कहना चाहूंगी कि जैसे हम 6-7 महीने अपनी तैयारी के लिए लेते हैं उसमें से हमें 80% स्टडी मैट पे, 10% पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर पे और 10% रिवीजन पे ध्यान देना है, तो एग्जाम आराम से नॉर्मली क्रैक हो जाता है। मतलब 10 बुक पढ़ने से अच्छा एक बुक पढ़ो, आराम से पढ़ो, उसको ढंग से पढ़ो, ये नहीं कि 10 पढ़ लिया आता कुछ नहीं। ओके ओके, सो लाइक जो भी स्टूडेंट्स आपके जो भी क्वेश्चन है आप चैट में आप डाल सकते हो तो वो भी 1 by 1 मैं पूछूंगा। सेकंड मेरा क्वेश्चन ये है कि आपके जो डेली रूटीन थे, आप लाइक कितने बजे आप उठते थे और कितने घंटे आप पढ़ाई पे टाइम देते थे? सर देखो वो सबका इंडिविजुअल होता है लेकिन जैसे कि मैं बहुत मानती हूँ ब्रह्म मुहूर्त को, मतलब मैं धर्म को मानती हूँ, तो सर हमारे गीता में लिखा है भगवत गीता में जो आज फॉरेनर्स भी अपना रहे और हम हिंदुस्तानी इग्नोर कर रहे हैं कि जो हम सुबह 3 बजे उठ के पढ़ते हैं वो भूलते नहीं है। तो मैंने खुद से एनालाइज करा है कि अगर सर सुबह 3 से 8 बजे का टाइम अपने अपने आपको दे दिया, एक तो इतना फ्रेश फील होता है और जो हम पढ़ते हैं हमें ना लॉन्ग टर्म के लिए याद रहता है, रिविजन की दिक्कत नहीं आती, और 3 से 8 अगर आठ पढ़ लिया आपके 5 घंटे तो ऐसी क्लियर हो गई। और हमें दिन में देने कितने घंटे हैं, 10 और 12 घंटे, तो सुबह 3 से 8 पढ़ो फिर बीच में सो जाओ, रेस्ट कर लो, खाना खा लो, फिर जब भी आपको ठीक लगे तब पढ़ते रहो, लेकिन सुबह का टाइम अगर आपने यूटिलाइज कर लिया सर आपको कोई भी नहीं रोक सकता पास होने से। ओके, सो फर्स्ट आपका सेशन रहेगा कि मॉर्निंग में आप टाइम यूटिलाइज करो स्टडी को रिगार्डिंग। अच्छा सेकंड थिंग ये है कि लाइक जैसे आप बोथ रूप के जब आप जाते हो आपके पास 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी, सो इन 8 सब्जेक्ट को लाइक डेली पढ़ना है या फिर हम डेली कितने सब्जेक्ट्स पढ़े तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, और कैसे हम 8 सब्जेक्ट को अगर हम पूरे वीक की बात करें तो एक वीक में हम 8 सब्जेक्ट को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सर देखो हमें ना जैसे हमारे पास 8 सब्जेक्ट हैं उसमें हमें ये देखना है कि हमारे कौन से स्ट्रॉन्ग है कौन से वीक है, ठीक है सर। जो हमारे वीक है जैसे सर हमें ना मॉर्निंग में वो सब्जेक्ट लेना है जो हमारे वीक है, थ्योरी प्रैक्टिकल मैटर नहीं करता, तो जैसे 8 सब्जेक्ट है उसको ना ग्रुप 1 ग्रुप 2 में डिवाइड कर लो, और ग्रुप 1 ग्रुप 2 इकट्ठा करेंगे थोड़ी ना मिसमैच हो जाती चीजें क्योंकि ग्रुप 1 में बहुत सारी बुक्स ऐसी हैं जो इंटररिलेटेड है, तो हमारे पास 4 सब्जेक्ट हो गए, 4 सब्जेक्ट में 2 सब्जेक्ट सुबह करने हैं 2 शाम, लेकिन पढ़ने 4 सब्जेक्ट डेली है, क्योंकि डेली अगर हम किसी चीज को 2 घंटे पढ़ रहे हैं और 1 हफ्ते पढ़ रहे हैं तो हमारे पास 14 घंटे हमने उस सब्जेक्ट को 1 वीक में दे दिए। तो मेरा तो यही था कि मैं 4 सब्जेक्ट डेली पढ़ती थी, सुबह 2 घंटे 2 घंटे 4 घंटे सुबह हो गए सर, फिर आफ्टरनून में 2 घंटे और फिर इवनिंग में 2 घंटे, और फिर जो पढ़ा है रात को सोने से पहले उसको रिवाइज कर लो ताकि वो चीजें हमारे एक बार मेमोरी में दोबारा सेट हो जाए। तो ऐसे ग्रुप 1 की प्रिपरेशन, फिर ग्रुप 2 की प्रिपरेशन, और फिर साथ में जैसे भी आपको रिवीजन ठीक लगता है वैसे आप कर सकते हो। लाइक बोथ ग्रुप के लिए आप स्टूडेंट्स को कितना टाइम बता सकते हो कि लाइक आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, हर किसी का अपना अपना रहता है, बट आपने बोथ ग्रुप के लिए कितना टाइम लिया था प्रिपरेशन से एग्जाम तक का? सर 9 मंथ। 9 मंथ में आपने बोथ ग्रुप की प्रिपरेशन प्लस एग्जाम आपने फेस किया। अच्छा 9 मंथ के अंदर कितने महीने में रिजर्व करना चाहिए रिविजन करने के लिए सिर्फ?
3 months only for revision. Okay. And इस 3 month में कितने times revision आपने किया था? Like 3 times, 4 times, कितने times आपके total revision हुए थे? मेरे 4 times. अच्छा, 4 times आपने revision किया. अच्छा, एक चीज और भी होता है, जब हम revision करते हैं तो कुछ बच्चे होते हैं सारे questions solve करते हैं, और कुछ होते हैं कि कुछ selective questions solve करते हैं chapters के. तो आपका क्या approach था revision करने के लिए, जब आप practical को revision करते थे? सर मेरे ना 4 revision थे, और 4 revision में मेरा अलग अप्रोच था और पढ़ाई के तुरंत ना अलग था. तो मैं स्टार्टिंग से बताती हूँ सर. जब हम स्टार्टिंग स्टेज में, जैसे हम बिल्कुल, अब हम बिल्कुल बेयर मिनिमम से स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फाइनल की एंटर की पढ़ाई, तो मैं अपने 4 महीने में स्टडी मैट कम्प्लीट करना है. स्टडी मैट करते टाइम हमें सारे फॉर्मुलेस लिख के, सारे क्वेश्चन, सब कुछ, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ना, क्योंकि सर हमारे दिमाग को तो प्रैक्टिस हो जाती है बट हमारे हाथ को प्रैक्टिस नहीं होती. तो हाथ को प्रैक्टिस करने के लिए मैं लिख लिख के क्वेश्चन खुद से, जैसे बच्चे के होते हैं, मैंने अपने भी दोस्त देखे, मैं सर ट्यूशन में पढ़ाती हूँ, उसमें बच्चे सॉल्व कर लेते हैं, बस छोटा छोटा कर लिया ऐसे ही कि एग्जाम में करेंगे प्रॉपर फॉर्मेट से. बट पढ़ाई के दौरान हमें प्रॉपर फॉर्मेट भी यूज करना है हर क्वेश्चन में, क्योंकि हमारी ना स्पीड कम, स्पीड दिक्कत हो जाती है एग्जाम टाइम पे. ऐसे हमारा स्टडी मैट कम्प्लीट हो गया, हमने सारे क्वेश्चन खुद से रजिस्टर्ड में सॉल्व करे अपने हाथ से विद प्रॉपर फॉर्मेट और विद प्रॉपर जैसे आंसर लिखे होते हैं लॉ में वैसे. उसके बाद फर्स्ट रिविजन में मैं दोबारा क्वेश्चन सारे नहीं करती थी, मतलब फिर भी 80% क्वेश्चन दोबारा हाथ से सॉल्व करने हैं फर्स्ट रिविजन में. लेकिन जब सर आप ना रिविजन करते टाइम स्कैनर के साथ में ओपन करते हो, तो आपको पता लग जाता है एबीसी एनालिसिस से कि क्या चीज इंपॉर्टेंट है. जो मेरा फर्स्ट रिविजन था, तो अपने साथ में मार्कर रखती थी मैं, रेड या ब्लू जो भी आपको अच्छा लगे, उससे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें टिक लगा देती थी कि सेकंड रिविजन में इनको दोबारा अपने हाथ से करना है. तो फर्स्ट रिविजन में तो सब कुछ करती थी मैं, सेकंड रिविजन में जो मैंने टिक लगाया बाय द एनालिसिस ऑफ स्कैनर्स या पास्ट ईयर क्वेश्चंस पेपर कि हमारे एग्जाम में क्या चीज मोर रेलिवेंट है, तो सेकंड रिविजन में उनको दोबारा हाथ से करती थी जो इम्पोर्टेंट है. सर थर्ड रिविजन में फॉर्मुलेज लिखना, फॉर्मेट एक बार याद करना, एक बार थ्योरी याद करना, वो चीज थी. और फोर्थ रिविजन में सब कुछ देखती थी, क्योंकि सर 3 महीने है तो हमें स्मार्ट वर्क करना है. ये हमें ये नहीं कि एक क्वेश्चन 3 बार करना है, एक क्वेश्चन एक बार ऐसा करना है कि माइंड में स्टक हो जाए. और सर जब हम रिविजन करते हैं तो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन देख लो बट उसका आंसर मत देखो, क्योंकि हम बीच बीच में अगर आंसर देखते हैं तो हमारे माइंड को ना आंसर देखने की वो हो जाती है एडिक्शन. पता है सर, अगर हम स्टार्टिंग से अपने माइंड को ट्रेन कर ले कि हम बिना आंसर देखे क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो हमारा माइंड उसी डायरेक्शन में काम करता है. हमारा माइंड मशीन है, हम इसको जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं अपने फेवर में. जैसे मैंने क्या करा, जब मैं स्टडी मैट पढ़ रही थी तो मैंने पूरा क्वेश्चन आंसर भी देखे बीच बीच में, क्योंकि तब हमें तैयारी नहीं होती. लेकिन जब एक बार आप स्टडी मेट कर चुके हो तो आपके फॉर्मुलेस की नॉलेज है, उसके बाद आप ना क्वेश्चन देखो और बुक बंद कर दो. अब बीच में दिक्कत हो रही है लेकिन तब भी आपको अपने माइंड को मजबूत रखना, आपको आंसर नहीं देखना, ट्राई करना है खुद से सॉल्व करने का, खुद से ट्राई करने का. जब प्रॉपर खुद से जितना हो सकता है उतना हो जाए, उसके बाद आपको आंसर देखना है. तो इससे क्या होता है, अगर हमारे माइंड को ना आदत हो जाती है कि हमें बिना आंसर देखे क्वेश्चन सोल्व करना है, तो एग्जाम में अगर कोई नया क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड को वही हैबिट होती है सबकॉन्शियस माइंड को कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. बट अगर हम बीच बीच में आंसर देख रहे हैं ना सर, तो अगर हमारे एग्जाम में कोई और क्वेश्चन आ गया तो हमें ना ऐसा लगता है हम कर नहीं पाए, क्योंकि हमें आंसर देखने की लत है. तो हम माइंड को ऐसे यूज करना है हमें. सर मैं 3-4 पॉइंट और बताना चाहूंगी जिससे अपने माइंड को यूज कर सकते हैं अपने लिए. फर्स्ट तो ये हो गया कि रिविजन करते टाइम आंसर नहीं देखने, पूरा करने के बाद आंसर देखना और सेल्फ करना चीजें. और सेकेंड ये है सर कि जैसे हम फर्स्ट रिवीजन में ना, हमें जैसे पूरा रिवीजन हो गया, फर्स्ट रिवीजन पूरा हो गया, उसके बाद 1 हफ्ते का शॉर्ट रिवीजन करना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट टर्म रिवीजन और फर्स्ट रिवीजन. उसमें क्या करना है, 3 घंटे के पेपर बनाना है खुद से, मतलब जैसे पास्ट ईयर देख के खुद से पेपर बनाना है. उसमें कुछ अलग क्वेश्चन, सी के क्वेश्चन डालने हैं, लॉ में सीएस के क्वेश्चन डालने हैं. जब 3 घंटे का पेपर बना लोगे आप, तो आपको बिल्कुल अलग से सेल्फ आइसोलेटेड जगह पे बैठ जाना है और खुद से ना क्वेश्चन सोल्व करना है. लेकिन बीच में ऐसा होता है नहीं कि चलो खाना खा लेते हैं 3 घंटे बाद में कर लेंगे, नहीं, आपको ना बिल्कुल एग्जाम एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा, पूरे 8 दिन लगातार ऐसे करना है. तो जब आप फाइनल एग्जाम के लिए अपियर होंगे ना, ट्रेनिंग होना बहुत जरूरी है. हम 8 दिन एग्जाम देने जाते हैं बट हमारा माइंड ना लगातार 8 दिन कंटिन्यूसली एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर नहीं होता. बीच में बीमार पड़ जाएगा, हेडेक हो जाएगा, बुखार चढ़ जाएगा. बट अगर हम वही 4 रिविजन में, मतलब मैंने बोला कि फर्स्ट मेन रिविजन 8 दिन का शॉर्ट रिविजन, अगर हम 4 बार 3-3 घंटे के एग्जाम दे चुके हैं ना, हमारा माइंड ट्रेन होगा कि हम एग्जाम के टाइम पे आराम से बिल्कुल फोकस होके विदाउट एनी स्ट्रेस दे सकते हैं.
मतलब हमें अपना मेंटल भी ट्रेन करना है इस टाइप से. तो हमारा माइंड दो टाइप से ट्रेन करना है. फर्स्ट हमें आंसर नहीं देखते रिविजन करते टाइम, सेकेंड हमें खुद से अपना एग्जाम बना के खुद से उसके आंसर देने हैं, फिर वो खुद से चेक करके खुद की गलतियां निकालनी है कि ऐसे हमारी गलती हुई कैसे, इसको हम ठीक कैसे सॉल्व कर सकते हैं. और अगर हम हमारा कोई अच्छा टीचर हो, कोई प्रॉपर गाइडेंस हो, तो उसको हम अपना आंसर दे सकते हैं और अपना क्वेश्चन कि आप प्लीज चेक करके हमें मिस्टेक बताओ, ताकि वो मिस्टेक ना हमारे पेपर में रिपीट ना हो. सर मैंने बहुत बच्चे देखे जिनके इंटर में रैंक थी, फाइनल में रैंक नहीं आ पाई. बहुत बच्चे पढ़ते हैं इतना मेहनत इतना है, फिर भी उनके एग्जाम ही निकलते हैं, क्योंकि उनको तरीका नहीं पता होता कि एग्जाम निकालने कैसे. वरना अगर हम आराम से, अगर हमें तरीका पता हो, चीजें पता हो, तो आराम से बिना विदाउट एनी स्ट्रेस हमारे रिलैक्स होकर पेपर निकल सकते हैं. बस तरीका पता होना बहुत जरूरी है. ये सारे आपके अप्रोच थे एग्जाम के रिवीजन के. अच्छा, एग्जाम में जो आपके 3 आवर्स के जो पेपर होते हैं, उस टाइम में हम कैसे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि लाइक हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या नहीं करना है? वो फर्स्ट 15 मिनट को आप कैसे यूटिलाइज करते हो? हाँ जी सर. सर देखो, हम जैसे 15 मिनट्स मिलता है, उसमें पूरा क्वेश्चन पेपर रीड कर लेते हैं. उसमें हमें ध्यान देना है कि और बच्चे क्या कर रहे हैं. मैंने जैसे सर मैं एग्जाम देने गई थी अपने सीएमए के, तो 15 मिनट में बच्चे पूछते रहते हैं कि तुम क्या कर रहे हो. पहले हमें अपना आप पे फोकस करना है. तो हमें ना सबसे पहले ये मिसकंसेप्शन है कि हाईएस्ट मार्क्स के पहले करो, जो आपको आता है वो पहले करो. जैसे जो आपकी शीट चेक करेगा, अगर वो स्टार्टिंग में आपके ऐसे क्वेश्चन लिखेगा जो आपने अच्छे करे हैं, तो ऑटोमेटिकली उसका भी माइंड है. मतलब हमें खेलना तो एग्जामिनर जो चेक करा उसके माइंड से भी है, सर माइंड का खेल है सारा. तो हमें स्टार्टिंग में वो चीजें करनी है जो हमें अच्छे से आती है, ताकि हमारा इंप्रेशन जो चेक कर रहा है उस पर अच्छा पड़े. और लास्ट में वो करना है जो हमें कम कम आता है, तो इससे हमारी मार्क्स में अच्छे मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा होते हैं. अगर हम उसको अपोजिट कर देंगे तो मार्क्स कम आएंगे जो हमने सेम लिखा हो. तो हमें अच्छे अच्छे आंसर पहले लिखना है, जो हमें अच्छे से आते हैं, फिर मीडियम, फिर लो 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 लो, ऐसे जाना है. और खुद से एनालाइज करके लिखना, हमें किसी के नजर पे नहीं जाना कि पहले वो ये कर रहा है तो हम भी कर लेते हैं अपने. और किसी पे ना, जिस सर बच्चे जैसे कि भाई तेरा आंसर क्या आ रहा है, उसने बोल दे ये आ रहा है, तो अपना सही आंसर काट देते हैं. अपने पे ट्रस्ट रखना, आपने भी तो 6 महीने पढ़ा है ना, अपने अपनी प्रिपरेशन पे ट्रस्ट रखो. और जो आपको आ रहा है 3 घंटे में, आपको अपना आना जो आपको आता है उसको परफॉर्म करना, दूसरों पे बिना ध्यान दिए. अच्छा, एक चीज और, लाइक कि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से होते हैं, उनको लॉ का सब्जेक्ट या थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में काफी चैलेंजेस आते हैं, तो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट को आप कैसे मैनेज करते थे? हाँ सर देखो, जैसे थ्योरी है, सब्जेक्ट है थ्योरी, सबसे मेन 80% जो थ्योरी एग्जाम आते हैं उसके अंदर, और हमारे स्टडी मैट से आता है, एक्स्ट्रा नहीं होता. तो जैसे हमारे स्टडी मैट में जितने भी चैप्टर है, आप रजिस्टर लो, इंडेक्स बनाओ, ठीक है सर. इंडेक्स बना के एक चैप्टर के लिए खुद से पेज बना लो कि इतना हमें इतने पेज में एक चैप्टर को कंप्लीट करना है. उसके बाद स्कैनर खोलो, मतलब स्टडी मैट और स्कैनर चैप्टर वाइज साथ साथ खोलना है. मैंने फर्स्ट चैप्टर लिया कंप्लीट हो, उसका स्कैनर खोल लिया, उस चैप्टर को मैंने पूरा पढ़ लिया. पढ़ते टाइम मुझे अपने पास डिक्शनरी तो बहुत आउटडेटेड हो जाएगी, अपने पास मोबाइल रखना है एयरप्लेन मोड पर करके, डिस्टर्ब हो जाएंगे. तो मैं पूरा चैप्टर पढ़ना है पेंसिल से, और बीच में से जो हमें वर्ड समझ नहीं आ रहा उसको मोबाइल पे उसका मीनिंग सर्च करना, उसको वहां पे लिख लेना है. ऐसे नहीं कि माइंड में लिखा छोड़ दिया अब तो आ गया, पेंसिल से नोट डाउन करना है हिंदी में कि इसका मीनिंग ये है. तो ऐसे पूरा चैप्टर पढ़ लिया, फिर पूरा स्कैनर भी हमने ऐसे ही पढ़ लिया, क्योंकि हमारे स्कैनर हमें स्टडी मैट से बाहर तो इंग्लिश आएगी, इंग्लिश और वर्ड्स तो वही आएंगे जो हमने पढ़े हैं. अगर हमारी इंग्लिश कितनी भी वीक है, हम कितने भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट है, बट फेस तो हम वही वर्ड्स करेंगे जो हमने अपने प्रिपरेशन के दौरान पढ़े हैं. तो इंग्लिश की वोकैब की प्रॉब्लम तो खत्म हो गई, क्योंकि हमने सारी वोकैब सॉल्व कर ली. और हमें पूरा चैप्टर पढ़ना है, और उसके अंदर में से ना क्वेश्चन थोड़े से याद करना है, क्योंकि हमारी लैंग्वेज और लोगों की लैंग्वेज अलग है. मार्क्स तब मिलता है जब वो लैंग्वेज लिखते हैं जो हमारी बुक में यूज हुई है. तो हमने सब्जेक्ट वाइज पूरा स्कैनर लिख के देख लिया है, पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया. ऐसे हमें सेकंड चैप्टर के लिए, थर्ड चैप्टर के लिए लॉ में करना है. फिर जो हमारा एग्जाम पेपर आता है, वो भी उसके वर्ड्स भी वही होता है जो हमने पढ़ा है. तो ऐसे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होगी. तो मेरा यही अप्रोच था, और मैं तो ये वो हाँ बस. कोई टिप्स, कोई सजेशन और भी आप देना चाहते हो? स्टूडेंट्स, आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जो टॉपिक शायद ना कवर हुआ हो, तो आप क्वेश्चंस चैट में आप पूछ सकते हो. यस, किसी ने क्वेश्चन पूछा है, लेट्स सी. कैन यू आस्क हर हाउ टू शिट ए क्वेश्चंस पेपर फॉर आवर सेल्फ?
what type of question should be inserted, I mean is your heart from which source we have to add this question. So जैसे तुमने आपने बताया कि आप अपना question paper set करो और उसको अटैम्प्ट करो, तो बच्चों का इसी पे क्वेश्चन है कि हम कैसे हम क्वेश्चन पेपर अपने लिए सेट कर सकते हैं। ठीक है सर, देखो क्वेश्चन जैसे हमने 5-6 क्वेश्चन ले लिए और इसी इनकम टैक्स में तो कितने सारे अमेंडमेंट आते हैं, तो हमें ये भी नहीं कि स्कैनर सॉल्व कर ले, तो हमें बुक्स ओपन करनी है। जैसे सीएमए पता है सर, हमारे जो मेरा अटैम्प्ट था उसमें मोस्टली सीएमए में पोस्टिंग में वही क्वेश्चन आए थे जो सीए के थे, तो जो सी ए है सी एम है ना वो न्यू डालता है, मतलब रिविजन पेपर डालता है तो आरटीपी डालता है, न्यू न्यू क्वेश्चन आते हैं और बुक्स में ऐसा आता है कि 25 क्वेश्चन लो के टैक्स के, तो हमें सी ए के आरटीपी उठाने हैं, कुछ सी एस के उठाना है, कुछ सी एम ए के उठाना है और मिक्स कर लेना है, एक आधा एक मतलब एक दो क्वेश्चन हमें उसमें से डाल लेना है स्टडी मैट में से, एक दो स्कैनर में से, और एक दो अमेंडमेंट के साथ जो क्वेश्चन आते हैं डी टी के जो लास्ट में किसी भी बुक्स में मिल जाता है हमें जो मैंने तो सारे पॉइंट्स कवर कर लिए कि एग्जेम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सारे पॉइंट बता दिए कैसे करना है, फाइनल इंटर दोनों के लिए सेम ही अप्रोच था आपका राइट right? सर मैं यही बोलना चाहूंगी किसी बच्चे का अटेम्प्ट लग चुका है सर, रैंक मानते हैं जरूरी है लेकिन रैंक इतनी भी जरूरी नहीं है, लॉन्ग टर्म में देखा जाता है आपकी नॉलेज, तो अगर आपके अटेम्प्ट लग भी चुके हैं बट अगर आपको नॉलेज है तो नॉलेज बीट्स ऑल द रैंक्स या ऑल द फर्स्ट अटेम्प्ट्स, तो बच्चों को ना इस स्टेज में पढ़ाई नहीं करनी कि अगर हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं आएगा हमारी रैंक नहीं आएगी तो हमारा कैंपस नहीं होगा। सर मैंने ऐसे बच्चे देखे जिनका कैंपस नहीं हुआ बट कैंपस से ज्यादा पैकेज है उनका मार्केट में, ड्यू टू के साथ जो इंटरव्यू होता है वो नॉलेज पे बेस होता है आपके, तो आपको स्ट्रेस फ्री होकर पढ़ाई करना है, दिल लगा के मेहनत लगा के दिल से पढ़ाई करनी है, क्योंकि तो आप किस चीज को अगर दिल से करते हो तो वो आपकी ना चीज आप लॉन्ग टर्म में कभी नहीं भूलते, तो आप उस चीज को अपने फ्यूचर में या अपने जब फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब करोगे, आप खुद का सेटअप करोगे, खुद की फर्म खोलोगे तो वहां पे अप्लाई कर पाओगे। हमने खाली पढ़ लिया एग्जाम पास होने के लिए बट हम नॉलेज अप्लाई नहीं कर पाए तो हम एक प्रोफेशनल बनेंगे लेकिन रियल टर्म में प्रोफेशनल्स नहीं बन सकते, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई बच्चा किसी भी स्टेज पे एज डजंट मैटर, अटेम्प्ट्स डजंट मैटर, रैंक डजंट मैटर, मैटर इज अवर ओनली नॉलेज, तो आपको अपनी नॉलेज इनहेंस करनी है और ये नहीं सोचना कि जैसे बच्चे सोचते हैं कि सीएमए बन गए या कैंपस होगा उसमें इंग्लिश में नहीं बोलेंगे या ये चीज नहीं, नॉलेज मैं बोल रही सर लैंग्वेज और नॉलेज दोनों मैटर नहीं करता, मैटर है आपका कॉन्फिडेंस, अब अपनी बात कितने अच्छे समझा पा रहे हो उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल, तो विदाउट कि हम जो हिंदी मीडियम से हैं हमारे तो लैंग्वेज की दिक्कत आएगी हमें जज करेंगे, सर जो जज कर रहा है अगर आपको आपके लैंग्वेज के बेसिस पे इसका मतलब जो रियल टाइम में मेहनत ही नहीं करी, रियल टाइम मतलब रियल टर्म्स में वो नॉलेज एजुकेशन एजुकेशन ही उसने प्राप्त नहीं करी, क्योंकि जो रियल टाइम में बच्चा सो इतना एक क्वेश्चन और भी है, हाउ टू स्टिक टू आवर प्लान because I am unable to follow it for more than 4 to 5 days and thereafter I am getting bored to follow this thing. So how we can stick to our plan जो हम बना रहे हैं। सर ये देखना है कि हमारी फैमिली के लिए हम responsible हैं। सर अगर हम 4-5 दिन के बाद बोर हो रहे हैं तो हम कितने responsible हैं? और सर CMA के लिए अगर आप responsible नहीं होते आप डिग्री डिजर्व नहीं करते। सर आपके पेन में आपके सिग्नेचर में ताकत आ जाएगी, तो उस ताकत को पाने के लिए आपको अपना मेंटल तो मजबूत करना ही पड़ेगा ना सर, अगर मतलब अगर आप 4 to 5 डेज कंसिस्टेंट नहीं रह सकते तो डिग्री आपके लिए है नहीं, हमें अपना गोल अचीव करने से पहले मतलब हमें सीएमए बनना है इससे पहले सोचना चाहिए हमें कि हम क्या कंसिस्टेंट रह सकते हैं 6 से 8 महीने प्रॉपर ढंग से अपने सब्जेक्ट को दे सकते हैं, तो वो चीज तो हमें एग्जाम प्रिपरेशन से पहले से होनी चाहिए इस कोर्स में एंटर करते टाइम, वरना तो पैसों की वेस्टेज और अपने परिवार की भी, और कभी डिमोटिवेट हो भी रहे सब पेरेंट्स से माँ बाप से बड़ा कोई गुरु नहीं है, उनके पास जाओ उनका चेहरा देखो उनको कितनी उम्मीद है हमसे, और सर कभी ना कभी ना सर रॉकेट होता है, रॉकेट होता है सर, रॉकेट को उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है नीचे आग, तो अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हो तो आप देख लो कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपकी बेइज्जती करी होगी, आपकी आपकी माँ बाप की परवरिश की या अपने रिलेटिव की, तो उस बेइज्जती को याद करो और उसको एज अ फ्यूल यूज करो, और उनको हमें किसके लिए हमें रेस्पॉन्सिबल अपने पेरेंट्स के लिए खुद के लिए सोचो, अगर आप सीएमए नहीं बन पाए तो आपके पेरेंट्स की उम्र हो रही है उनका ध्यान कौन रखेगा, यू हैव टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर सेल्फ योर फैमिली योर योर कंट्री। सर अगर देखो हम कहते हैं कि हमें देश के लिए कुछ करना है लेकिन सबसे पहले तो हमें अपने लिए कुछ करना है, अगर हमारे घर में दिया नहीं जला
तो हम दुनिया को कैसे रोशन करेंगे, तो हमें मोटिवेट वीडियो देख के नहीं होना, हमें इनर मोटिवेशन लाना होगा। इनर मोटिवेशन आ सकता है Okay, so thoda sa maybe maybe isme add karta hu, like Gauri jaise aapka question tha, jaise mera bhi experience hai, us hisab se main aapko batata hu. It doesn't matter ki aap apne routine ko follow karte ho nahi karte, it is matter how many hours you are giving to your study. If you are giving at least 8 to 10 hours on daily basis to your study, it may possibly you plan for law, but your studying costing, it is fine. But the matter is how many hours you are utilizing for your study at the end. अगर आप utilize कर रहे हो, are you able to complete your syllabus on time without any plan also, it's fine. But वो syllabus complete होना चाहिए, वो revision complete होना चाहिए, कोई भी plan आप follow करो. But at the end, result आना चाहिए, that's it. So, अगर आप ये चीज़ें करते हो, तो it's fine. बस focus रखना है आपको. So few questions maybe also in typing mode right now. Sudarshan, have you any question? Sudarshan, you can ask to us. I will try to answer it, or we will try to answer it. Okay, I think no more question right now. Any other thing which anyone want to discuss, ask, then you can ask. We have a chat section right now. You can see on the top side or bottom side of your, if you are using mobile phone, then you can see at the bottom side there is a chat window is there, and in your laptop you can see on the top side chat window. If you have any questions, you can ask to us. We have few more minutes, 10 minutes more maximum we have, and we try to answer it. For theory subject is intermediate, how we want to prepare, we have discussed regarding the preparation part. Yeah, we have discussed in Hindi, but yeah, you have question. I will guide you separately for it, how you can do it in English. Okay. So how was your placement experience? Someone is asked, how was your placement experience? Placement experience. Sir, it was good. Sir, jaise hamari placement mein 30% bachchon ki placement hui, 70% ki placement nahi. तो मेरा एक्सपीरियंस इसमें अच्छा भी था बुरा भी था, क्योंकि मेरे दोस्तों की नहीं प्लेसमेंट, तो मैं सी एम इंस्टीट्यूट की प्लेसमेंट अच्छी है, बट हमारे कोर्स में इतनी ताकत है कि सैबी के, आरबीआई के, सीजीएल के, जीएसटी ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर, आईसीयूएस का एग्जाम, प्लेसमेंट बहुत अच्छी होती है हमारे इंस्टीट्यूट की, डिजर्विंग कैंडिडेट है उसकी प्लेसमेंट हो जाती है। बट अगर बाई चांस आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई, सी एम ए डिग्री में खुद में अपने आप ताकत है कि आप सर्वाइव आराम से, मतलब आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा और बहुत सारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। और सर प्लेसमेंट के टाइम पे आपको कॉन्फिडेंस, इंटरव्यूअर आपका देखो, नॉलेज तो आपको है ही, तभी आपको डिग्री अचीव हुई है, आपको अपना कॉन्फिडेंस बना के रखना है, आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आप बोल रहे हो आप इतने अच्छे से, जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहे उसको समझा पा रहे हो, इंटरव्यू में यही मैटर करता है। ओके, एक क्वेश्चन है कि लाइक हाउ टू प्लान द लास्ट डे, जैसे हर एक एग्जाम के लिए हमारे पास कोई गैप नहीं होता, जस्ट वी हैव फ्यू आवर्स लाइक 5, 6, 10 आवर्स मैक्सिमम वी कैन से, सो हाउ वी कैन मैनेज दैट 10 आवर्स एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट एग्जाम इन केस ऑफ बोथ रूम। ओके सर, जैसे हमने पहले हमने अपना फोर्थ रिवीजन करा, तो फोर्थ रिवीजन में हमें 3-4 पेज के अंदर ही अपना प्रॉपर सारे रिवीजन, सारे इंपॉर्टेंट चीज को रिटन डाउन करना, और जो हमारे पास 8 to 10 hours है नेक्स्ट एग्जाम के लिए बोर्ड बुक में, तो उस नोट्स को ही ढंग से पढ़ना है। और मेरा तो एक्सपीरियंस ये है कि हमें अपनी नींद पूरी करनी है सेकंड डे के लिए, और ना हमारा माइंड थक जाएगा, हमें मतलब अपने रिवीजन 4 पेज का ही ढंग से करना है, आराम से सो के एग्जाम देने जाना है। ये नहीं कि आप उस 10 घंटे में प्रॉपर ढंग से पढ़ रहे हो और फिर एग्जाम में थक गए, 3 घंटे नींद आ गई, ढंग से आपकी चीजें सॉल्व नहीं हुई, तो ये चीज नहीं करनी। सर जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसा कोई ना चीज में से रात को सोल्व नहीं हो रही, मैं रख देती हूँ, मैं कहती हूँ सुबह फ्रेश माइंड से सोल्व करूंगी, हो जाएगी। मैं रात को उसको 4 घंटे कितने भी सोल्व कर लूँ वो नहीं होगी, बट सुबह अगर फ्रेश माइंड से कर रही हूँ हो जाएगी वो। तो अगेन मैं ये बोलना चाहती हूँ माइंड का यूज करना, अगर हम फ्री होके एकदम सो के जा रहे हैं अपनी नींद कम्प्लीट करके, क्योंकि सर स्लीप इज ऑल्सो आर डॉक्टर फॉर अवर प्रिपरेशन या फॉर द एग्जाम वी आर गिवन, तो उसके लिए हमें आराम से सो के रिविजन करना है, 3-4 पेजेस जो हमने रिविजन के टाइम पे तैयार करे थे उसको करके रिलैक्स होके जाना है, और हमारे माइंड को ऑलरेडी चीजें याद होती है, बस हमें डर लगता है हम भूल गए नहीं,
ट्रस्ट करना है, तब ठीक हो जाता है. ओके अच्छा एक क्वेश्चन और भी है, ट्राई टू इसमें थोड़ा सा इंग्लिश आप ज़्यादा ऐड करना बिकॉज ही इज फ्रॉम साउथ. सो मैम हाउ टू बैलेंस बिटवीन ट्रेनिंग डेज एंड स्टडीज, हाउ यू डन दैट, मतलब ट्रेनिंग और स्टडी को आप कैसे मैनेज किए थे फाइनल के लिए? सर आई मैनेज स्टडीज विद माय ट्रेनिंग पीरियड बाय यूटिलाइजिंग माय वीकेंड्स, सैटरडे संडेज. सर आई डिडंट गो फॉर पार्टीज या फॉर एनी फॉर वॉचिंग मूवीज. आई जस्ट स्विच ऑफ माय फोन एंड फोकस द 48 आवर्स अवेलेबल फॉर माय वीकेंड. एंड आई आल्सो सेड इन माय प्रीवियस टॉक्स that I utilize 5 hours in my morning, sir. If because training period start from 10 a.m. to 6 p.m. In 5 days also we have good four to five hours productive hours in the morning. So I think during the training we should utilize morning hours in the 5 days and utilize full 10 to 15 hours in our weekends. That's the routine. मतलब you should be consistent during all the 7 days. कि ये नहीं कि sir if you feel sleepy during 5 days या if you want to go for outdoor मतलब outdoor games या if you want to chill out गेड़िया मारना with your friends on Saturday Sunday then you lose your mind because you have to train your mind as hard as possible during your training period. You don't be get affected by others but the others friends doing or you should be get away from all the social media networks because Instagram is just a fake. People show their happiness and we get demotivated. Yeah, we got depression by seeing all the things. We are sitting in an isolated room. We are just focused on our studies. We just get ignore our social media. We don't have friends. If we utilize our weekends also on studies, we have to be control our mind. We have to be stick on our plans during our weekends or during our 5 to 2 days in early times of our studies. That's all about it. Okay. So, for Sudarshan, for you, if you are looking for a job in future, I will suggest you go for the corporate internship like PSU, MNCs are there. That will help you and you will get 2 days off in a week also, like Saturday, Sunday. So, you can manage your studies on weekend like Taruna Sheth. She also done her internship from Indiana. Because of that, she has 2 extra days in a week for her preparation. How to keep revision subjects? We have one question, Gauri ka question, like जैसे हम स्टडी करते हैं तो ड्यूरिंग दी क्लासेस के टाइम ये होता है कि हमने 2 सब्जेक्ट के हम क्लासेस ले रहे हैं और फिर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ फिर हम नेक्स्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम मूव कर गए राइट. तो हम उस पिछले जो 2 सब्जेक्ट हमने कंप्लीट किया है उसकी रिविजन्स को हम कैसे मैनेज करते रहे ड्यूरिंग दी स्टडी कि वो लास्ट टाइम में जैसे होता है ना कि आपने सब्जेक्ट को पढ़ा ही नहीं तो चेंज कर देता था. Yes, sir. Sir, you are right and mostly people face this problem because I also face that. But sir, the main solution of how to rescue this problem is, sir, if you completed your 1 book and you have to complete your 2nd book and if you fully ignore what you studies in your 1st book, तो सर क्या होगा, भूल जाओगे. आपको दोबारे से 1st revision में उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितनी आपने स्टडी मैट मतलब जितनी आपने इनिशियल स्टेज में प्रिपरेशन करी है. तो आपका स्टडी मैट कंप्लीट करने का कोई फायदा नहीं है. तो सर माय सजेशन इज ओनली दैट कि जितने भी आप सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो उनको 1 आवर तो आपको डेली देना है. अदरवाइज यू फॉरगेट ऑल द कॉन्सेप्ट एंड यू हैव टू बी अगेन गिविंग दैट टाइम जो आपने इनिशियल स्टेज में दिया है. तो ये गलती नहीं करने की एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ एंड यू हैव टू बी क्लोज दैट बुक. यू हैव टू कंसिस्टेंटली रिवाइज. बस आप ये कर सकते हो अगर टाइम है उसको आप रिड्यूस कर दो जो आपने स्टडी मैट कंप्लीट कर लिया उसकी रिविजन के लिए. लेकिन जो आपने चीजें कंप्लीट करी है उसके लिए आपको डेली आधा घंटा तो उस चीज को पढ़ना है. अदरवाइज आपके माइंड से कब निकलेगी आपको पता नहीं लगेगा एंड दोबारा से आपको उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी. तो इट वॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम फॉर ऑल द स्टूडेंट हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द इंटर एंड फाइनल एग्जाम. तो ये मिस्टेक नहीं करनी बिल्कुल भी. ओके सो वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस. थैंक्स for joining us on your Sunday and even right now also you are not doing party on Sunday. You are helping to CMS train, that is the great thing about you.
and all the best for your future also. We have covered all the questions and hope so this session will help to all the students to secure their even rank, as well as if someone want to just pass their exam, they can also pass the exam based on these tips. And this same video I am going to upload very soon on my YouTube channel also, so you can watch the recording. If you want to watch again and make your notes something, then you can do it.